ट्रेन और हवाई सेवाएं शुरू होने के बाद अब जल्द ही दिल्ली मेट्रो भी आपको पटरियों पर दौड़ती दिख सकती हैं। हिंदुस्तान अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ईद बाद और 31 मई से पहले दिल्ली मेट्रो को चलाने की अनुमति मिल सकती है। इसके लिए गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया गया है। दिल्ली सरकार और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने पहले ही अपनी मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार जब मेट्रो चलेगी तो दो यात्रियों के बीच एक सीट खाली रहेगी। इसके साथ ही खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा मेट्रो में स्मार्ट कार्ड से एंट्री मिलेगी, यात्रियों को टोकन नहीं मिलेगा। CISF ने साफ किया है कि मास्क लगाने और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही किसी को भी मेट्रो में प्रवेश मिलेगा।